यार ये वाइड एंगल पे फेस बड़ा स्लिम कर देते हैं। एक मिनट। वो लाइट ऑन होके अच्छी लग रही है वैसे, वो मज़े का लग रहा है। रात के 4 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। अच्छा टाइम है रोलर डाल के सब कुछ जगाने के लिए। आई वंडर अगर रात को बच्चे भी यही सोचते हैं, ऐसे बड़ा अरसा हो गया इस तरह बोले हुए। लेकिन चलो ट्राई करते हैं एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम संजय मसीरो, क्यों वॉच क्यों ऐसे? पहली बात तो ये यार, मैं कैमरे के सामने इतना शरीफ बन जाता हूँ, खासकर व्लॉग्स में। ऐसे हमारे कायदे उनको ना स्नैपचैट पे प्यारा सा फिल्टर लगा के ये ऐसे निकाल के तस्वीर निकाल के भेजो ना, तो कहते हैं तकी भाई ये खुदा को हाजिर नाजर जान के बताओ ये शक्ल है तुम्हारी रियल लाइफ में? तो वही बात है। खैर पहले आ जाते हैं थोड़ी सी बातों पे। तकी न्याय ये क्या हो गया, हर दूसरे दिन कोई दो शॉट इधर से डाले, कोई इसका स्टाइल पकड़ा उसका स्टाइल पकड़ा, मिक्स करके एक ब्लॉग ठकाटक वो फेल दिया बगैर देखे सुने क्या चल रहा है। भाई आगे तो बड़ी चोर में आते थे भाई, 1.25 लाख का कैमरा लिया, ऊपर 40,000 का 50mm लगाया है, और शॉर्ट्स देख लो ये 720p वाले स्लोमो चल रहे हैं, ये इधर 10 मिनट का टाइम लैप्स डाल के बीच में फेल दिया, 2 शॉट इधर 60fps में लेके डाल दिए और वीडियो बन गई, ये चल क्या रहा है लोंडे, क्या चल रहा है? देखो बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो मेन बात ना मैंने पहली एपिसोड में बताई थी कि भाई क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, इस बात को ना थोड़ा सा जहन में फिक्स करके कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहे हैं कि हर दूसरे दिन वीडियो डालनी है, जैसी भी बनी डालनी है। नहीं अच्छी बनेगी, मुझे पता है यार नहीं अच्छी बनेगी, जैसी बनेगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली एक काम को करते रहो ना, तो थोड़े टाइम के बाद आप उसमें बेहतर होते जाते, ठीक है? एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके ना उसमें बेहतरी आएगी। सेकंड रही बात स्टाइल की, तो भाई हमें ऐसे, मुझे ऐसे कहते हो, मैं पता नहीं क्या कैसी नाइस स्टाइल, मेरे अबू हैं भाई पीटर मैकेनन से, तो हमने सिनेमाटोग्राफी का कोर्स किया। अबे मुझे क्या पता, मैं नया नया बंदा हूँ, मैंने जब कैमरा लिया था मुझे ये तक नहीं था पता कि पिक्चर किधर से लेनी है और आन किधर से करना है। मैं नया नया बंदा हूँ, अभी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ यार। अभी मैं 10 बंदों को देखूंगा, कोई 2 पसंद आएंगे, थोड़ा उसका उठाऊंगा थोड़ा इसका उठाऊंगा, मिक्स करके कुछ ना कुछ बना दूंगा। तो असल में ना व्लॉगिंग का शौक बड़ा था, लेकिन ये शौक आहिस्ता आहिस्ता होता गया मट्ठा, समझते हो मतलब हल्का। एक मिनट अब ना भाईजान जरा सी फिलॉसफी झाड़ने लगे, तो ज़रा गौर से सुनो। लेट्स सपोज अभी मैंने चीज़ें गिनवानी है, तो एक मिनट, लेट्स सपोज ये मेरा कैमरा है, जो कि नहीं है क्योंकि कैमरे पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन लेट्स सपोज ये मेरा कैमरा है, ठीक है? ये मेरा 50mm लेंस है, ये मेरा दूसरा लेंस है, ये गिम्बल है, ये गिम्बल को डालने के लिए बैग है, ये पुल थ्रू माइक है, ये दूसरा माइक है, ये तीसरा माइक है, ये एक ट्राईपॉड है, ये दूसरा ट्राईपॉड है, ये ड्रोन है, ये एक्स्ट्रा बैटरीज है, ये कैमरे को डालने के लिए छोटा बैग है, और ये उन सारे छोटे बैग्स को डालने के लिए बड़ा बैग है। अब पॉइंट ये है, ये सब इक्विपमेंट मैंने अपने शौक की वजह से जमा कर लिया, चलानी नहीं आती थी। ऑनेस्ट बात है, चलाना कुछ भी नहीं आता था जब ये लिया, सीखना शुरू किया साथ साथ, लेकिन ये सब मैंने अपने शौक की वजह से। और एक और चीज़ माइंड में रख के, अबे एक मिनट, अभी तो गिम्बल मैंने मोबाइल की गिनवाई नहीं, वो ऊपर पड़ी हुई है, और वो एक और बैग में पड़ी हुई, वो भी ऊपर पड़ा हुआ है। खैर यू गेट द पॉइंट, ये सब इक्विपमेंट मैंने शौक और इस पॉइंट के साथ ले ली कि भाई इससे भाई पता नहीं क्या जादूगर बन जाएगा, ऐसा कॉन्टेंट बनाएगा आवाम देख के पागल हो जाएगा। और वही करते करते मैंने इतना ये खिलारा डाल दिया। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ, फायदे से ज़्यादा इसका हुआ है नुकसान, क्योंकि मैंने डाल लिया इतना ज़्यादा जमघट्ठा ढेर, ठीक है? अब मेरा शौक है जब भी मैं कैमरा यूज़ करूँ भाई इस पर लेंस लगा हो वाइड अपर्चर वाला, ठीक, और नीचे लगी हो गिम्बल तक के शॉट्स आए बड़े स्मूथ। अब मैंने कैमरा लेके जाना है, मैंने एक्स्ट्रा बैटरीज लेके जानी है, मैंने एक्स्ट्रा लेंस लेके जाना है, मैंने साथ गिम्बल लेके जानी है, गिम्बल को उठाने के लिए अलहदा बैग लेना है, ये कैमरे को सारे को डालने के लिए अलहदा बैग, फिर इन दोनों बैग्स को एक बड़े बैग में डाल के लेके जाना है, ये सारी इक्विपमेंट ले जाके वहाँ पर मैंने क्या करना है? हेलो गाइस, हम जरा ये आए थे वन बर्गर खाने के लिए, ये मायनीज बड़ी ज़्यादा डालते हैं, बहुत मज़ा आता है। और अगर मेरे पास ये सारी इक्विपमेंट ना होती तब मैंने क्या करना था, मैंने अपना फ़ोन निकालना था और तब भी मैंने कुछ ऐसा ही करना था, हेलो गाइस हम ये आए थे नूर फ्रेश कॉर्नर पे, ये मायो फ्राइज बड़े अच्छे बनाते हैं, मायनीज बहुत ज़्यादा डालते हैं, तब भी मैंने वही स्टोरी सुनानी थी।
वहाँ जहाँ पे मैंने कोई 10 सेकंड का शॉट डालना था कैमरे वाले इन सारे इक्विपमेंट के साथ, मैंने 10 मिनट में खींच ले गए चलो वीडियो। लेकिन मसला क्या है कि भाई मैंने हर वीडियो के लिए ये सारी चीज़ें पैक करनी है, लेके जानी है और वहाँ पे चलानी है, यूज़ करनी है, दोबारा पैक करनी है, वापस घर लेके आनी है, हर चीज़ को अलहदा चार्ज करना है, हर जगह अलहदा मेमोरी कार्ड डालनी है, स्पेस भी करनी है, तो वो ना एक प्रोसेस बड़ा स्यापा बनता जा रहा था। अब उस स्यापे से बचने के लिए मैं कहता था छोड़ो यार वीडियो बनाते ही नहीं। हफ्ते बाद कोई जाके कोई बहुत एक्सट्रीम पॉइंट आ गया, कोई मोमेंट आ गया, या जब बहुत ज़्यादा वो ठक ठक हुई कि भाई तेरा एक चैनल है वीडियो डाल दी है कुछ कंटेंट निकाल, तो जल्दी जल्दी मैं सारा सामान उठाया लेके गए घसीटे, जैसी तैसी वीडियो बनाई लेके वापस आ गए और डाल दी उठा के वो वीडियो यूट्यूब पे। और जमगट्ठा उठाना और सारा समेटना बड़ा सरदर्द है जो मैं पहले गिनवा चुका हूँ, उससे बचने के लिए मैं वीडियो बना ही नहीं था। तो एक तरह से भाई मेरी इक्विपमेंट, मेरा जितना खर्चा ये मैंने किया हुआ है, यही पकड़ के मुझे नीचे खींच रहे। मैंने बड़ा सोचने के बाद कहा कि भाई अगर YouTube पे कुछ आगे करना है तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और ये जो हालात हैं इनके साथ तो कंसिस्टेंट हुआ नहीं जा सकता, तो पहले थोड़ी सी आदत बदलनी पड़ेगी। पहला पॉइंट मैंने क्या किया, मैंने कैमरा ही उठा के साइड पे रख दिया कि भाई मैंने कैमरा यूज़ ही नहीं करना, नहीं करना भाई, बिल्कुल नहीं करना। ये तो थोड़ा सा कंपनसेट कर लेते हैं भाई, रात का टाइम है, मोबाइल पे क्या वीडियो बनाता है। कैमरा मैंने रखा उठा के साइड पे, कुछ भी नहीं, कोई माइक वगैरह कुछ नहीं, ये फुलतुल तक नहीं लगाया मैंने, उधरों क्या ये जो बैंडी से ट्राइपॉड है ये भी नहीं उठाया, सिर्फ फ़ोन चार्ज किया, जेब में डाला, निकल गया। और बाहर जाके ये नहीं कि बस पूरा दिन उठा के घूमते रहना, गाइस हम यूनिवर्सिटी आ गए, गाइस हम क्लास में जा रहे हैं, गाइस हम क्लास से आ गए, गाइस हम खाना खाने जा रहे हैं, गाइस हम कैफे में आ गए, नहीं ये काम नहीं करना। बस एक छोटा सा पार्ट निकाल के ना, कुछ भी लाइफ में से इंटरेस्टिंग कुछ भी हो, जो कुछ भी हो रहा है, एक छोटी सी स्टोरी, एक मेमोरी बना के रख लेनी है अपने पास, इतना काम करना है, सिर्फ फ़ोन पर करना है, ताकि इसमें क्या मुश्किल काम। 2 दिन का टारगेट रखा था कि बस 2 दिन में एक वीडियो डालनी है, एटलीस्ट 2 दिन में एक वीडियो, और मैंने अपने माइंड में ये टारगेट सेट करके रख लिया था कि भाई जब तक मैं मोबाइल पर 15 वीडियोज़ नहीं बना लूँगा अपने मोबाइल का यूज़ करते हुए, कुछ भी नहीं हो, सिर्फ मोबाइल पर 15 व्लॉग्स नहीं बना लूँगा तब तक मैं कैमरे पर हाथ नहीं लगाऊंगा। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने ये सारी इक्विपमेंट उठा के पैक करनी है और जाके यतीम खाने में दान कर देनी है। नहीं, ऑब्वियसली नहीं करनी। अभी मैंने ये सारी इक्विपमेंट पैक करनी है और मैंने लेके जानी है जानी के पास। जानी कौन है आपको थोड़ा बहुत पता होगा, जिनको नहीं पता उनको नेक्स्ट व्लॉग में बताएं। यार मैंने खुद फ्राई करने की कोशिश की है, कुछ जला लिया, मुझे आइडिया नहीं था कि ये सेकंड में ऐसे ऐसे बन जाते हैं।